अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज में का मेजबान अब्दुल गफार पुराम रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। और 17 या 18 मार्च को गालबन जब पीएसएल का आपको पता है उस पर सस्पेंड करना पड़ा था, तो लगता ये था कि अब कोविड के बाद क्या होगा। जिंदगी तो चले अब तक बहाल नहीं हुई, लेकिन कहते हैं ना अल्लाह अल्लाह करके क्रिकेट की जो है वापसी अब हमें होती भी दिखाई दे रही है। काफी इसमें रोलर कोस्टर आए, ऊंच नीच आई, कुछ पॉजिटिव जब टेस्ट आ गए, बल्कि कुछ नहीं 10 पॉजिटिव टेस्ट आ गए, तो लग ही रहा था कि पता नहीं अब यूके गवर्नमेंट मानेगी या हमारी जो क्रिकेट बोर्ड है ये इसको कैसे हैंडल कर पाएगा। लेकिन वो कहते हैं ना कि ऑल वेल इफ एंड वेल। वैसे तो टीम ने कल फ्लाई करना है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि पाकिस्तान टीम के 10 खिलाड़ी और उनके साथ 11 रुकनी जो सपोर्ट स्टाफ है कल वो इंग्लैंड रवाना हो रहा है। ये एक बड़ी पॉजिटिव न्यूज है ना सिर्फ क्रिकेट के हवाले से, बल्कि इस वक्त जो भी कोविड-19 के बाद चाहे इस वक्त पाकिस्तान में फैंस हो, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सब कुछ ना कुछ क्रिकेट एक्टिविटी देखना चाहते हैं। वेस्ट इंडीज की टीम वहाँ मौजूद है, पाकिस्तान अब वहाँ पहुंचेगा, तो ये क्रिकेट फैंस के लिए कितनी बड़ी खबर है, क्रिकेट के लिए कितना बड़ा ब्रेक थ्रू है, लाइफ के लिए भी ऑब्वियसली कितना ये हम सब के लिए एक मोराल बूस्टर रहेगा। मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान टीम के साबिक कप्तान, वॉइस ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट कहा जाता है जनाब, इन्हें पाकिस्तान की इस वक्त बहुत अच्छी नुमाइंदगी करते हैं ना सिर्फ कमेंट्री पैनल पर बल्कि जो क्रिकेटिंग वर्ल्ड है, रमीज राजा साहब को प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। रमीज भाई आपको खुशामदीद भी और साथ साथ क्रिकेट को भी खुशामदीद। सॉरी आपकी आवाज कट गई, सॉरी वफा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शो में बुलाने के लिए। जी मैंने कहा रमीज भाई आपको भी खुशामदीद और हम ये कह सकते हैं क्रिकेट को भी खुशामदीद। जी हाँ बिल्कुल, वही है कि बस छोटे छोटे स्टेप जैसे दोबारा से लेने शुरू किए हैं क्रिकेट ने, और उम्मीद यही करता हूँ कि इस कोविड-19 के दौर में किसी तरह से हम रुक रुक के और अकलमंदी के साथ जो है ये दोबारा से बेबी स्टेप्स लें। अभी रास्ता जो है वो कठिन है मगर इब्तदा तो हुई है, सो आपको भी मुबारक। जी हाँ बिल्कुल, और अपडेट देते चले, जिन्होंने अगर अभी ट्यून किया हो तो पाकिस्तान टीम के जिन 18 खिलाड़ियों के कोविड टेस्ट नेगेटिव आए थे, अल्हम्दुलिल्लाह उनके तमाम ही खिलाड़ियों के टेस्ट नेगेटिव ही रहे, तो वो तमाम 18 खिलाड़ी जिनमें अगर मैं आपको नाम दे दूं तो क्योंकि पाकिस्तान का टेस्ट स्क्वाड काफ़ी हद तक जो है वो इसके अंदर शामिल है और बड़ी एक स्ट्रॉन्ग टीम है फिलहाल। अभी भी अज़हर अली कप्तान है, बाबर आजम है, आबिद अली, असद शफीक, सरफराज अहमद, फहीम अशरफ, फवाद आलम, इसी तरह बॉलिंग में अगर हम देखें तो उस्मान शिनवारी और नसीम शाह अब्बास। तो रमीज भाई ये बड़ी अच्छी चीज़ है, पहले तो इन खिलाड़ियों की हेल्थ के हवाले से एक थी हमारे जहन में एक खदशात थे, एक तलवार लटक रही थी कि 10 खिलाड़ियों के टेस्ट पॉजिटिव आ गए, खुदा जाने अगले 18 खिलाड़ियों के टेस्ट जब 3 दिन बाद होने तो कोई और बुरी खबर ना मिले, लेकिन बखैर आफियत ये स्टेज पार हुआ। और अच्छी बात यह है कि हफीज वहाब जिनके पहले टेस्ट पॉजिटिव आए थे उनके भी नेगेटिव आए, लेकिन चूंकि अभी 2 नेगेटिव नहीं है तो वो अभी फ्लाई नहीं कर रहे, तो ओवरऑल आज कल के मुकाबले में सिचुएशन बहुत बेहतर हो गई। देखिए घबराहट तो होती है, इसलिए कि जब स्पोर्ट्समैन जो है वो कोविड-19 का शिकार हो जाए तो फिर एक खौफ सा बैठ जाता है, इसलिए कि कोई भी इसके वार से बच नहीं सक रहा है। और पता नहीं अभी कितने लोग एसिम्प्टोमेटिक हैं, कितने लोग जो हैं वो टेस्ट नहीं हुए हैं। पाकिस्तान का हाल खासा खराब है नक्शा अगर खींचे कोविड-19 का। सो उम्मीद यही करते हैं कि लोग जो है वो अभी भी एहतियात करेंगे, मोहतात तरीके से अपनी जिंदगी गुजारेंगे, क्योंकि इसके वार से देखें अगर क्रिकेटर्स भी आ गए और नहीं बच सके हैं तो आम आदमी जो है जो कि आम पब्लिक में जाते रहते हैं, इनको तो खास बताया गया था प्रोटोकॉल फॉलो करने के लिए, उसके बावजूद कोविड-19 के हत्थे ये शिकार हो गए। सो जैसे आपने कहा कि अच्छी बात यह है कि अब कुछ सूरत हाल बेहतर है और 6-7 के दोबारा से टेस्ट होंगे, और अगर वो मनफी आ जाते हैं तो फिर इसका मतलब यही है कि वो भी जा सकेंगे। सो इसलिए आज से अच्छी खबर है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वेस्ट इंडीज़ के दौरा, हालांकि इंग्लैंड का पहले था, लेकिन उससे पहले वसीम खान साहब या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कंसेंट दिया इंग्लैंड को, एक हौसला अफजाई मैं समझता हूँ उस हवाले से। दुनिया में पहली पॉजिटिव न्यूज़ यही थी कि पाकिस्तान ने कंसेंट दिया कि अगर हालात बेहतर हुए तो हम पूरी कोशिश करके पहुँचेंगे। एक तरह से पाकिस्तान ने इंग्लैंड को बहुत हौसला दिया कि उन्होंने वेस्ट इंडीज़ से भी जाके फिर बात की कि देखें पाकिस्तान भी राजी है। तो कितने मार्क्स देंगे रमीज भाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड? वैसे तो बहुत तनकीद की जद में रहता है, आगे चल के हम भी कुछ और सवालात करेंगे जिसपे आपकी ओपिनियन भी यकीनन शामिल हार रहेगी, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये स्टेप कितना बड़ा था कि हमने एटलीस्ट क्रिकेट को सपोर्ट करने की बात की, हम पॉजिटिव रहे फ्रॉम द डे वन। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो हमेशा क्रिकेट की बेहतरी के लिए सोचते हैं और आगे बढ़ते हैं। आई थिंक जहाँ पे दूसरे लोग कतराते हैं हम लोग पहल कर जाते हैं और इसका हमें ज्यादातर क्रेडिट नहीं मिलता। आई थिंक बोल्ड स्टेप था, अनयूजुअल स्टेप था, और एक तरह से
क्लैरिटी मिली है सारे प्रोसेस को पाकिस्तान के हाँ करने से, एक हिम्मत बन जाती है। सो एक जो स्नोबॉल इफेक्ट फिर शुरू होगा कि देखें इसकी वजह से वेस्ट इंडीज वहां पे खेल रहे हैं, उसके बाद एक तरीका कार जो है वो पता चल जाएगा कि कोविड 19 के दौर में किस तरह से एक तरह से बायो फ्रेंडली और बायो टाइट एनवायरनमेंट में जो है आप क्रिकेट खेलेंगे और इसके क्या प्रोटोकॉल होंगे। सो पाकिस्तान ने पहल की, इसका हमें बहुत कम जो है वो क्रेडिट मिलता है अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि नेगेटिव हेडलाइंस जो है वो पाकिस्तान का पीछा करती हैं, उसमें सफे अव्वल का किरदार होता है मीडिया का, मगर अच्छी चीज़ों में वो थोड़े से कतराते हैं। सो अगर हम तारीफ नहीं करेंगे और हम फ्रंट फुट पे नहीं रहेंगे तो बाकी दुनिया नहीं रहेगी। सो सराहने की जरूरत है, बहुत अच्छी काम किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक बहुत पॉजिटिव पहलू जो है वो सामने आया। रमेश भाई, एज अ क्रिकेटर, एज अ फॉर्मर कैप्टन, ऑब्वियसली अब कमेंटेटर, क्रिकेट के ऑब्वियसली हम सब फैन भी हैं, गेम को बड़ा प्यार करते हैं, एक क्रिकेट लवर की हैसियत से इस सीरीज की रमेश भाई अहमियत, क्योंकि ना सिर्फ लाइफ में जैसे मैंने कहा कि हमें पॉजिटिविटी चाहिए थी, बल्कि हमें क्रिकेट को आगे कोई मुस्तकबिल दिखाई नहीं दे रहा था, जैसे कि वर्ल्ड टी ट्वेंटी है, एशिया कप है, इवन IPL, इवन PSL, अभी सब चीज़ों पर बहुत सारे सवालात हैं। ये सीरीज रमेश भाई इसको कहाँ रेट करेंगे और इसकी जरूरत कितनी थी इस वक्त? देखिए, क्रिकेट की एक तरह से इब्तदा हो रही है कोविड 19 सिचुएशन के सामने और क्रिकेट भी अब इन्वॉल्व हो गया। आपने देखा कि इंग्लिश प्रीमियर लीग के मैचेस हो रहे हैं बिहाइंड क्लोज डोर्स। सो इंग्लैंड ने पहल की है, आई थिंक बड़ी अच्छी बात है, और अब आहिस्ता जी रमीज राजा साहब हमारे साथ मौजूद है, शायद कुछ तकनीकी इस वक्त प्रॉब्लम है, लेकिन भारत पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जैसे उन्होंने तारीफ की, एक बहुत अच्छा स्टेप और क्लैरिटी के साथ था। जी रमीज साहब की शायद कनेक्टिविटी बहाल हुई है, रमीज भाई आप सुन सकते हैं मुझे? जी हाँ, बिल्कुल सुन सकता हूँ। सो पॉइंट मेरा यही है कि बहुत इंपॉर्टेंट टूर है ये इंग्लैंड का। एक तो वैसे इंग्लैंड टूर के ऊपर जो है सबकी नजरें जमी रहती हैं, और पाकिस्तानी प्लेयर्स के लिए बहुत अच्छा मौका है कि अपना लोहा मनवा सकें, नाम बना सकें, और जो एक अच्छी चीज है आई थिंक जिसका तस्करा नहीं अभी तक हुआ कि 29 लोग वहां पे इवेंचुअली पहुंचेंगे और प्रैक्टिस भी करेंगे एक दूसरे के साथ और एक्लिमेटाइज भी होंगे और कंडीशंस को भी जांच सकेंगे। एक बहुत बड़ा एक प्लस मिला है पाकिस्तान को वहां पहले जल्दी पहुंच के, और मैं समझता हूं कि अब सिलेक्शन जो है वो टॉप क्वालिटी की होनी चाहिए। और मैं चाहूंगा, पता नहीं ऐसा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या मिस बॉल लक और उनके सिलेक्टर सोच रहे हैं कि 29 के जो आपका कैनवस है प्लेयर्स का, इनमें हर एक को आप जो है वो चांस दें टू बी सिलेक्टेड फॉर टेस्ट मैचेस, इसलिए कि वहां पे सब पहुंच गए होंगे, जो उस वक्त आपको अच्छा लग रहा है, जो फॉर्म जिसकी अच्छी दिख रही है, जो कंडीशंस से एक्लिमेटाइज अच्छा हो रहा है, जो कि इंप्रेसिव दिख रहा है नेट्स में, उसको आप जो है उस पर नजर रखें, चाहे वो T20 का प्लेयर क्यों ना हो। और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान जब 92 वर्ल्ड कप की मैं एग्जांपल देता हूँ, पहली टीम थे वहां पे वफार जो लैंड किए थे 25 दिन पहले, जिस जब तक उससे स्क्वाड अभी अनाउंस नहीं हुई थी, सो हम 25 दिन पहले वहां पे पहुंच गए थे, और जो मार्जिनल सिलेक्शन के केसेस थे जो कि रेगुलर सिलेक्शन में उस वक्त तक नहीं आए हुए थे, उनका भी चांस बन गया, और 2-3 लड़के फिर फाइनली 25 दिन की परफॉर्मेंस के बाद जो प्रैक्टिस मैचेस खेले थे उसके बाद उनका नाम भी शामिल हो गया, क्योंकि उनकी करंट फॉर्म और जो एक्लिमेटाइजेशन के हिसाब से जो उन्होंने एडजस्ट किया था वो शानदार किया था। तो मैं समझता हूँ कि एक लीफ ले सकते हैं उस एक्सपेरिमेंट से और 29 के ऊपर अपनी निगाह रखें सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। मिस बॉल जिन खिलाड़ियों की आपने बात की रमीज भाई, ठीक है प्रोफेशनल्स हैं और इससे जुड़े हुए जितने भी वहां पर इस पर प्रोफेशनल है, चाहे वो मीडिया से हों या ब्रॉडकास्टर्स हों, सबके लिए एक मुश्किल और SOPs पे अमल करना ये नॉर्मल सिचुएशन नहीं है, लेकिन बींग अ क्रिकेटर रमीज भाई, आप इन प्लेयर्स के हवाले से क्या कहेंगे जिनको जाने से पहले टेस्ट देने पड़े, कुछ के पॉजिटिव आए, कुछ के नेगेटिव आए, यकीनी तौर पर कोई भी मेडिकल टेस्ट आप कराएं वो भी कोविड का, और शायद उस रात नींद आना मुश्किल है कि अगले दिन आपका एक तरह से इम्तिहान है और उसका नतीजा आना है, तो इस सूरत हाल में वो जा रहे हैं इंग्लैंड और क्रिकेट भी अभी नहीं खेली है, सो समझते हैं कि आज तो रिलीव हुए होंगे ना सिर्फ क्रिकेट बोर्ड वाले बल्कि ये तमाम प्लेयर्स भी, लेकिन ये कितना मुश्किल और शायद एक अनयूजुअल और हिस्टोरिक मोमेंट्स रहे कि आपको जाने से पहले ये सारे टेस्ट, और एक तरह से हम ये नहीं कह सकते कि अस्पतालों के चक्कर, लेकिन लिटरली तकरीबन मतलब यही बनता है इसका। नहीं, मुश्किल होगा जरूर, इसलिए कि वो
धड़का लगा रहता है कि पता नहीं मैं क्लियर हूँ या नहीं क्लियर हूँ। और फिर खासतौर पर यू नो स्पेयर अ थॉट फॉर न्यू कमर्स, हैदर अली, अभी तक उनका क्लियर नहीं हुआ है काम। इसी तरह से यू नो नसीम शाह, स्नैन है, खुशदिल शाह है। मेरी तो खास नजर इन नए प्लेयर्स के ऊपर है और बहुत बड़ा इनके लिए टूर है, इसलिए कि यहाँ पे आधी परफॉर्मेंस भी करेंगे, एक परफॉर्मेंस भी करेंगे इंग्लैंड में तो दुनिया में नाम हो जाता है, इतना मीडिया फॉलोइंग होती है इंग्लैंड के खिलाफ अब जब भी सीरीज खेलते हैं। सो धड़का लगा रहता होगा, आसान काम नहीं होता, इसलिए कि फिर वो अगर आपका काम खराब हो जाए कोविड-19 के हिसाब से तो सारी फैमिली फंस जाती है और सिचुएशन बहुत ही खराब हो जाती है। सो नेक ख्वाहिशात हैं इन बच्चों के साथ खासतौर पर। और नेगेटिव बात ज़्यादा नहीं करना चाहेंगे क्योंकि जिन हालात में जा रहे हैं, लेकिन हमने देखा कि पिछले 3-4 दिनों में रमेश भाई, पता नहीं, मुझे नहीं पता आप कितनी खबरें देखते हैं, लेकिन जो एक नेगेटिविटी तो नहीं कह सकते, कन्फ्यूजन रही कि पता नहीं पॉजिटिव आ गए, फिर हफीज़ का ट्वीट आया, उससे प्रोसेस पे डाउट आया, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आखिर में उसको उसी तरह हैंडल किया जो इस तरह के यूके की एक स्पोर्ट्स पॉलिसी है, या हम जैसे प्रेस रिलीज में मेंशन है कि जो एक्सपर्ट्स हैं हेल्थ साइंसेस के, उनसे पूछा गया तो बताया गया जी 2 नेगेटिव आना बहुत ज़रूरी है। बीच में रहे 1 या 2 दिन का स्पैन जहां पर एक ट्वीट के बाद क्रिकेटर कहता है जी मैं तो पॉजिटिव था, मैं तो नेगेटिव आ गया हूं, लेकिन फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने साइंस को, डॉक्टर की एडवाइस को फॉलो किया। शायद सीखने की ज़रूरत है कि एक नई सिचुएशन थी, एक नया मामला था, लेकिन शायद हमारी सोसाइटी में ये एक प्रॉब्लम है रमेश भाई कि हम कुछ चीज़ों को सही तरह ओवरऑल हैंडल नहीं कर पा सकते। ऑब्वियसली पीसीबी का कसूर नहीं है कि क्रिकेटर खुद अपनी ट्वीट कर दे और जाके टेस्ट करा ले, ये उसके बस में है और ये पूछे बगैर भी हो सकता है, लेकिन थोड़ी बदमजगी हुई यहाँ पर, कोई शक नहीं है इसमें। पाकिस्तान जो एक चीज में मार खाता है वो डिसिप्लिन है, और अगर ये कॉम में डिसिप्लिन आ जाए तो हम बाकी कॉमों से बहुत आगे निकल जाए। हम अनफॉर्चुनेटली लॉ ऑन टू जिसको कहते हैं themselves, वो वाला सिनेरियो कि नहीं, जो मैं कह रहा हूँ वही लॉ है और मेरे हिसाब से मैं ठीक हूँ और बाकी सब गलत है। सो जजमेंटल भी है ये सोसाइटी, इंडिविजुअल्स, और डिसिप्लिन नहीं है, प्रोटोकॉल नहीं फॉलो किया हफीज ने। सिंपल सा प्रोटोकॉल है, अगर आपने प्राइवेट भी कोई टेस्ट करवाया है तो आप जाके क्रिकेट बोर्ड को उसका नतीजा बताएं, रात दिन उसको यू नो उसकी उसको अनाउंस कर दें या उसकी इश्तहारबाजी कर दें ट्विटर के थ्रू। आई थिंक इतनी वो क्रिकेट खेले हुए हैं कि उनको समझने की जरूरत थी कि ये बड़ा एक नाजुक मरला है, इसलिए कि बाकी सारे टेस्ट जो हैं वो बैड लाइट में दिखते हैं फिर कि कुछ ना कुछ उसमें भी चोरी की गई है क्रिकेट बोर्ड की तरफ से। सो मामला बहुत टेढ़ा हो सकता था अगर इसकी टाइमली इंटरवेंशन ना की जाती, और शुक्र है कि इसका ज्यादा जो है वो असर नहीं हुआ है हमारी ट्रैवलिंग अरेंजमेंट के ऊपर, नहीं तो इसी भी आराम से कह सकता था कि नहीं जी हम वी नॉट सेटिस्फाइड विद द ऑफिशियल टेस्टिंग, आप सबके टेस्ट दोबारा करवाएं, जिससे कि ये जो आपका विजिट है ये डिले हो सकता। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और अब वसीम खान साहब से सवाल हुआ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उन्होंने ये स्क्वाड अनाउंस किया, उन्होंने कहा कि क्योंकि वो सेंटर कॉन्ट्रैक्ट में हफीज नहीं है और चूंकि उन्होंने पीसीबी के खिलाफ कुछ नहीं किया, ये और बात है, उन्होंने खुद माना कि उनका ट्वीट बहुत ही डिस्टर्बिंग रहा या इससे एक कन्फ्यूजन क्रिएट हुई, लेकिन फिलहाल उन्होंने कोई तासर नहीं दिया कि कोई डिसिप्लिन केस उनके खिलाफ बनता है। बट डू यू थिंक कि ये ज़रूरी है कि हफीज ट्वीट करते हैं तो तभी रमेश भाई को केस बनता है? ये तो ट्वीट करके कन्फ्यूजन तो फैला ही, कुछ ना कुछ तो इसका आप समझते हैं हिसाब किताब होना चाहिए। नहीं, मेरे ख्याल में ऑफिशियल रिप्रीमांड है। अब देखिए इतनी वो क्रिकेट खेल चुके हैं, सर्किट में इतनी देर से हैं कि उनको आइडिया होना चाहिए कि क्या आपकी ऑफिशियल पोजीशन क्या होनी चाहिए ऐसी सिचुएशन में, और एक इंस्टीट्यूशन की सैंक्टिटी है, उसका रोग मर्तबा है, और उसको जो है वो कॉन्ट्रोवर्शियल नहीं बनाना चाहिए। सो मैं समझता हूँ कि हफीज से गलती हुई, आई थिंक पब्लिकली उनको अपोलोजाइज कर लेना चाहिए कि ठीक है मैंने प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया और आइंदा मैं ये नहीं करूँगा, इस बात को यहीं पे इस तरह से डील कर लिया जाए तो बेहतर है रात एंड फाइंस के थ्रू, या रात एंड कि उनका जाना मुश्किल कर दें। मुझे नहीं लगता कि वो ज़्यादा कुछ हमारी सेहत जो है उससे बेहतर होगी पाकिस्तान क्रिकेट की। कॉन्ट्रोवर्सी जाने से पहले जो है होनी नहीं चाहिए थी, और इस मामले को जितनी जल्दी हल किया जाए उतना ही बेहतर है, और मेरे ख्याल एक अपॉलोजी के थ्रू, स्ट्रॉन्ग अपॉलोजी के थ्रू सारी चीज़ें हल हो सकती है। ठीक है रमेश भाई, और आप रिप्ले में खुश आमदे। पाकिस्तान टीम के दौरे इंग्लैंड के हवाले से बात कर रहे हैं, कल पाकिस्तान टीम फ्लाई करेगी फॉर इंग्लैंड, 20 रुकनी स्क्वाड के साथ ऑफिशियल जा रहे हैं। रमेश भाई आपने भी इंटरव्यू किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान का, बड़ा दिलचस्प इंटरव्यू था, काफी उन्होंने मामला पे बात की। ये जो इंग्लैंड का दौरा था ये इस मैनेजमेंट के लिए कितना जरूरी था इन हालात में, जो एक मैनेजमेंट जो कि जैसे उन्होंने कहा कि वो तब्दीलियों के हक में थे, तब्दीलियां की भी हैं, थोड़ा सा उन्होंने कहते हैं ना
एक चेंज लाने की कोशिश की है। ये इंग्लैंड का दौरा इस क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट के लिए भी कितना जरूरी था? देखिए इंपॉर्टेंट इसलिए है कि स्ट्रॉन्ग मैसेज भी जाता है, आई थिंक पीआर एक्सरसाइज भी होती है। फिर पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि यू नो फॉरेन टीम्स पाकिस्तान आ सकें, खासतौर पे जो वेस्टर्न ब्लॉक है यू नो ये आके जब खेलेगा तो फिर ही पाकिस्तान की सही फतह होगी। एंड आई एम श्योर कि अपना केस प्लीट करने में ऐसे टूर्स जो हैं, ऐसे मैचेस जो हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि एक फील गुड फैक्टर जो है वो क्रिएट होता है। और कहीं पाकिस्तान अच्छी परफॉर्मेंस करता है तो फिर वाह-वाह भी होती है और फिर रिगार्ड भी होता है, फिर पाकिस्तान का नाम जो कि जिंदा है अपनी अनऑर्थोडॉक्सी की वजह से, अपने टैलेंट की वजह से, वो सर्कुलेट करते हैं दुनिया में ये न्यूज़। और फिर एक एक सॉफ्ट कुशन, एक सॉफ्ट पहलू क्रिएट होता है कि नहीं, हमें पाकिस्तान की मदद करनी है और जाके वहाँ पे खेलना है, बहुत हो गया 11-12 साल से क्रिकेट वहाँ पे नहीं हुई, बहुत सारी वेस्टर्न टीम्स नहीं आई। सो ये सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट करेंगे अगर पाकिस्तान एक अच्छा टूर इंग्लैंड का हो जाता है। सो ये जो एक एक विक्ट्री की जो एक लैप है उसकी जो एक फील है वो पाकिस्तान में भी फील हो सकेगी। और यहाँ पे कोई पता नहीं है कि इसके बाद जो है और इंटरनेशनल क्रिकेट के दरवाजे खुल जाए। रमीज भाई, दो तरह की आरा सामने आती है। कुछ लोग ऑब्वियसली जो कि थोड़ा सा क्रिटिक्स रखते हैं इस हमारे मामले पर, क्रिटिकल हैं, वो कहते हैं कि हमारा साथ नहीं दिया किसी ने, ठीक है हमारी गलतियां बहुत थी, हाँ उस अटैक में भी हमारे पास सिक्योरिटी लैब्स और सारा कुछ जितने मामलात हैं, चले अब उसको डिटेल में डिस्कस नहीं करते, लेकिन शिकवा है बहुत सारे लोगों का, पाकिस्तानियों का, कि हमें किसी ने सपोर्ट नहीं किया और पाकिस्तान क्रिकेट को जब जरूरत थी पाकिस्तान क्रिकेट खुद अपने बलबूते पे आगे बढ़ी, जिम्बाब्वे को बुलाया, पैसे भी देने पड़े, डॉलर्स एक्स्ट्रा देने पड़े, फिर पीएसएल बीच में अचानक से कहते हैं ना ताज़ा हवा के झोंके की तरह और गेम चेंजर बन गया उसकी वजह से हमारे पास। और ऑब्वियसली इसमें भी सर बहुत बड़ी बात है, लीग्स हैं तो यहाँ पर शॉर्ट स्टे होता है, प्लेयर्स को फाइनेंशियली बहुत फ़ायदा होता है, जायज़ है ये शिकवा के क्रिकेटिंग वर्ल्ड ने जब हमें थोड़ा सा उनकी सपोर्ट चाहिए थी हाथ नहीं थामा? देखिए हमें अपना गिरेबान खुद देखना है उसमें झांक के, और अगर हम एक स्ट्रॉन्ग क्रिकेट नेशन होते, अगर हम इकोनॉमिकली पावरफुल नेशन होते तो मैं देखता कि कैसे ना क्रिकेट टीम्स यहाँ पे आती। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आप एक्सपेक्ट ना करें कि दूसरी आपकी हेल्प करेंगे, आप में इतना दमखम हो, आपकी क्रिकेट इतनी स्ट्रांग हो, आपकी परफॉर्मेंसेस के थ्रू जो है लोग कायल हों और आपके फैन बने और क्रिकेट बोर्ड्स इंप्रेस हों आपकी परफॉर्मेंस के थ्रू, और फिर इतना ज़्यादा स्टेक हो आपकी यू नो क्रिकेट इकोनॉमी में, बाकी क्रिकेट बोर्ड्स जो है वो आपकी तरफ देखें कि हम इनको बाहर 12th मैन के तौर पे नहीं इस्तेमाल कर सकते, तो पहले तो ये आर्ग्यूमेंट यहाँ से शुरू होना चाहिए कि हमें क्या चीज़ रोक रही थी इतने सालों से कि हम अपना मॉडल जो है वो स्ट्रांगली डेवलप नहीं कर सके। हो सकता है एक परसेप्शन की कहानी भी हो जहाँ पे पाकिस्तान क्रिकेट को नाजायज मार पड़ी है, बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है, मगर अगर आप फाइनेंशियली वायबल होते, स्ट्रांग होते और एक टॉप क्वालिटी की आप इंटरनेशनल टीम होते तो मैं देखता हूँ कि किस तरह से आपको 12th मैन रखा जाता। रमीज भाई, फ्यूचर में आप, जैसा आपने कहा कि बहुत अच्छी पीआर एक्सरसाइज होगी, हमारा ये टूर हमारे लिए एक अच्छी साख बनाएगा, एक शायद इस मुझे लगता है इसको याद भी रखना चाहिए, लेकिन आप समझते हैं कि इस इंग्लैंड टूर के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का फोकस क्या होना चाहिए? कुछ लोग अभी से थोड़ा सा अर्ली बात कर रहे हैं कि हम इंग्लैंड से कहें कि वो कमिट करें कि जब आप कब आ रहे हैं, और वसीम खान साहब या इहसान मानी कहते हैं कि हमें स्टेप बाय स्टेप चलना है, आपकी क्या एडवाइस होगी रमीज भाई के इस इंग्लैंड के टूर पर जाकर? पहले तो ऑब्वियसली सेटल डाउन होकर क्रिकेट खेलनी है, लेकिन पीसीबी के लोग जो एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं, जो क्रिकेट बोर्ड से ताल्लुक रखते हैं, आईसीसी के साथ होते हैं, वहां उनको क्या मौकफ अपनाना चाहिए, क्या लॉबिंग करनी चाहिए? देखिए मौकफ बड़ा सिंपल और सीधा साधा होना चाहिए, परफॉर्मेंस, आप जीते सीरीज, आपका नाम बनेगी, आपकी धाक बनेगी, फिर आप जो है डिस्कशन टेबल पर जब जाएंगे तो आपके पीछे एक बॉडी ऑफ वर्क होगा जिससे कि आप अपनी चीज शायद मनवा सकेंगे, मगर अगर आपको मार पड़ जाती है तो फिर आपका केस वीक भी हो जाएगा अनफॉर्चुनेटली। सो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज इस वक्त यही है कि जहां पे आप खेलें डिसिप्लिन शो करें और क्रिकेट की इज्जत करें और मैचेस जीतें, सिंपल फोकस सिर्फ क्रिकेट पे हो और जीतने पे हो, बाकी चीजें जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं है इस वक्त। रमेश भाई, चूंकि 29 रुकनी स्क्वाड ऐलान हुआ है तो फिर भी लोगों ने, या ऑब्वियसली एक राय जो आती है, एक या दो या तीन नाम आ गए कि शायद इनको होना चाहिए था, और ये हमेशा रहेगा, हमेशा से 15 रुकनी स्क्वाड में भी एक के ऊपर क्रिटिकल व्यू होगा, एक के साथ किसी की सिंपथी होगी, लेकिन ओवरऑल आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है रमीज भाई इस पाकिस्तान आउटफिट से कि जब ये उतरेगा मैदान में
होपफुली सब 28-29 लड़के उस वक्त तक अवेलेबल हों, हम टेस्ट और T20 के लिए इंग्लैंड को चैलेंज दे सकेंगे, आप इस टीम को कहाँ रेट करते हैं? देखिए, मसले होंगे नए बॉल खेलने के, मैं अभी से मुझे लग रहा है कि इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि इंग्लिश कंडीशंस पे नया बॉल जो है 25-30 ओवर वो पाकिस्तान के बैट्समैन को तंग कर सकता है। उसके बाद क्योंकि आप अब सलाइवा का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, तो शायद मिडिल पीरियड जो है वो बैटिंग के लिए आसान हो जाए और मिडिल ऑर्डर पे उस तरह से प्रेशर ना पड़े। अगर कहीं हमारी विकेटें नहीं गिरती हैं नए बॉल पे, तो फिर हम टेस्ट मैच में कंपेटिटिव हो जाएंगे। मेरी तो इसमें कहानी बड़ी सिंपल थी, पता नहीं इस चीज को कैसे देखा जा रहा है मिसबाह हक एंड कंपनी या सिलेक्शन की तरफ से, कि क्योंकि अब सलाइवा का इस्तेमाल नहीं है तो फिर आपकी जो एक रिवर्स स्विंग है वो जो है वो उसका एक एलिमेंट जो है वो आप टेस्ट क्रिकेट में शायद उतना भरपूर तरह से ना देख सकें। सो बचत कैसे हो सकती है? आपको ऐसे बॉलर्स फिर चाहिए जो लाइन और लेंथ, जो एक जगह पे 6 बॉल कर सकें, जो अच्छी हार्ड लेंथ के ऊपर बॉल करें, जो कि ज्यादा मार ना खाएं, जो शायद वैरायटी के थ्रू डिसीव करें, और वो बेस्ट ऑप्शन आपके पास फिर वो T20 और वनडे के बॉलर्स आ जाते हैं, क्योंकि रिवर्स स्विंग जब नहीं मिलेगी मिडिल ऑफ द इनिंग्स में तो मार पड़ सकती है। क्या इस नजर से सिलेक्शन कमेटी सोच रही है कि कहीं हारिस रऊफ की जगह बननी चाहिए? मैं तो होता तो मैं उनको जरूर खिलाता, क्योंकि वो डिसेप्टिव हैं। बेशक रिवर्स स्विंग शायद ना वो करते हो, मगर एक जगह पे बॉल कर सकते हैं और डिसीव करते हैं विद वेरिएशन। तो पाकिस्तान को ये सोचना है इंग्लैंड टूर के ऊपर कि अगर पहले टेस्ट मैच में बॉलिंग जो है वो कंट्रोल नहीं देती और रिवर्स स्विंग नहीं मिलती और बॉलर्स को मार पड़ती है, तो फिर गियर बदलना पड़ेगा, क्योंकि 3 टेस्ट मैच में आप ये कर सकते हैं, आपके पास चांस होता है टू मेक अ कमबैक। सो माइंडसेट अब मुझे दिखना है सिलेक्शन का, और किस तरह से एक्सिक्यूट प्लान होते हैं, क्या डिफरेंट प्लान्स लेके पाकिस्तान उतरा है वहां पे। जैसे मैंने कहा 29 में से 29 जो है वो सिलेक्शन के लिए अवेलेबल होने चाहिए मिसबाह को। ये मत सोचे कि यह बस 18 की टेस्ट टीम है, इसी में से हमने लड़के देखने, जो वहां पे अच्छा दिखे उसको आप उस पर नजर रखें और उसको इंक्लूड करें। सो टफ होगा हमारे ओपनर्स के लिए, मैं अभी भी मानता हूं, और अगर हमारे ओपनर्स जो है नया बॉल खेल गए तो हम मैच में वापस आ सकेंगे। हमीद भाई बिल्कुल ठीक आपने कहा, डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस हैं, एक सलाइवा बैन भी है, दूसरा ऑब्वियसली जो दीगर रिस्ट्रिक्शंस वगैरह पे भी अगर हम बात करें, लेकिन जो हमारा टॉप 3 है मैं ज़रूर आपकी ओपिनियन लेना चाहूँगा। जैसे कि हम अब्बास लास्ट टाइम अच्छा खेले थे, लेकिन इस बार क्योंकि सलाइवा बैन है या स्विंग का फैक्टर भी हो सकता है, इसी तरह नसीम शाह और फिर शाहीन शाह आफरीदी, ये चूंकि इस वक्त हमारे फ्रंट लाइन के सीमर्स हैं, आप क्या समझते हैं कि नॉर्मल अगर सर्कमस्टेंसेस होते या एक स्विंग फैक्टर जैसे इंग्लैंड में या वो वेन्यूज हमें मिल जाते जहां यूजली लॉर्ड्स या ओवर पे भी हम खेलते रहे, इस बार वो भी नहीं मिल रहे जहां पर यासिर शाह कामयाब होते हैं, तो आप पाकिस्तान का पेस अटैक किस तरह देख रहे हैं जो फर्स्ट चॉइस बज़ाहिर है, और आपके ख्याल में इसमें हम कितने स्मार्ट ओवर हो सकते हैं सिलेक्शन में? देखें, शाहीन शाह अफरीदी का तो लेफ्ट आर्म का एंगल से आपको एडवांटेज मिल सकता है, नसीम शाह रॉ है और अगर वो गेंद नहीं हिलाएंगे तो फिर गेंद अगर वो आगे पीछे करेंगे तो मार पड़ सकती है, और जब मार पड़ती है तो सेशन आप बड़ी जल्दी लूज कर सकते हैं, और सेशंस की टेस्ट क्रिकेट होती है, सेशन में आप वापसी करते हैं और अगर विकेट्स नहीं भी मिलती हैं और क्वाइट सेशन अगर आप गुजार देते हैं वो भी एक तरह से सक्सेस होती है। तो यहाँ पे रिस्क पोजीशन बड़ी इंपॉर्टेंट होगी टेक्निकल अगर एतबार से मैं बात करूं, क्योंकि अगर गेंद रिवर्स स्विंग नहीं हो रहा है तो रिस्क के थ्रू आप कुछ ना कुछ गेंद को हिला सकेंगे और फिर लेंथ बॉलिंग करनी पड़ेगी और एक ही जगह पे बॉलिंग करनी पड़ेगी अगर गेंद ज्यादा हिलता नहीं है। हालांकि आपको ओवरकास्ट कंडीशंस मिलती हैं इंग्लैंड में तो शायद आपकी चांदी हो जाए, मगर फिर मैंने कहा ना कि उसके लिए कंसिस्टेंसी चाहिए और कंसिस्टेंट बॉलिंग अटैक मुझे इस वक्त ये दिख नहीं रहा है, रॉ दिख रहा है। अब्बास की जहां तक आपने बात की, उनकी पेस कम हो चुकी हुई है और अगर उनको साइड बेस मूवमेंट नहीं मिलती है तो फिर उन पर प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। सो ये चीजें हैं जिसके ऊपर पाकिस्तान को काम करना है और बहुत लगन के साथ एक स्ट्रैटेजी बनानी है जिसमें मार ना पड़े उनको। ठीक है, पुराने ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आकर जो हमारे डिफेंस हैं और साथ साथ जो अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कल गवर्निंग बोर्ड के इजलास के बाद काफी डिसीजन मेकिंग की है, अनाउंसमेंट हुए हैं, वुमेन क्रिकेट है, डोमेस्टिक क्रिकेटर्स हवाले से रमीज साहब से बात करेंगे, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। राम रिप्ले में खुशामदेद। रमीज भाई, कप्तान कोई भी हो किसी भी टीम का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, अगर हम पहले बात करें टेस्ट सीरीज अजहर अली उन्होंने अच्छा एक कह सकते हैं होम सीरीज में कामयाबी हासिल की, लेकिन ये बहुत बड़ा टेस्ट है, बीइंग अ लीडर, बीइंग अ टेस्ट कैप्टन, समझते हैं कितना ये चैलेंजिंग रहेगा या समझते हैं कि एक अच्छा मौका है, चूंकि है
सवालिया निशान उनकी कैप्टनसी के हवाले से, स्पेशली लिमिटेड ओवर्स में बहुत स्ट्रगल किया था उन्होंने। देखिए प्रॉब्लम तो है इसलिए कि ऑस्ट्रेलिया में जो उनकी कप्तानी थी वो ठीक नहीं थी, उन्होंने यासिर शाह को सही आजमाया नहीं था, उनका इस्तेमाल ठीक नहीं किया था, और इंग्लैंड में भी यासिर शाह जो है वो क्रिटिकल होंगे हमारे साथ, हमारे लिए बॉल के साथ, क्योंकि अगर ड्राई कंडीशन होती हैं और आज टेम्परेचर इंग्लैंड में 34-35 डिग्री पे था, तो अगर एक हॉट समर का स्पेल आता है तो यासिर शाह बड़े क्रिटिकल प्लेयर बन सकते हैं, बॉलर बन सकते हैं, और उनको इस्तेमाल करना जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कप्तान जो है फील्ड सही सेट करे, किस तरह से उनसे काम लेना है, कब अटैक करना है, किस तरह से फील्ड सेट करनी है, ये सब चीजें जो थी वो मिसिंग थी उनकी कप्तानी से ऑस्ट्रेलिया में। मगर अब उनके पास एक और मौका है, उनकी अपनी फॉर्म जो है वो 19-20 रहती है, सो 19-20 फॉर्म के साथ एक टीम को लड़ाना और उसकी कप्तानी करना मुश्किल काम हो सकता है। तो पहले तो अजहर अली को ये करना है कि अपनी फॉर्म की फिक्र करें, अगर फॉर्म उनकी अच्छी है और वो रन्स करते हैं तो कप्तानी ऑटोमेटिकली उसका एक उसका इफेक्ट होता है एक पॉजिटिव तरह से, क्योंकि वो जो रन्स का कॉन्फिडेंस है वो कप्तानी में भी झलकता है। सो एक दफा रन्स जब ये कर लेंगे तो फिर ड्रेसिंग रूम में भी ये अपने बात मनवा सकेंगे, इनकी इज्जत होगी, और फिर जो टैक्टिकली भी आई थिंक एक फ्री माइंड के साथ ये कप्तानी कर सकेंगे। सो पहले तो इनको अपनी फॉर्म जो है उसका कुछ करना है और उसके बाद फिर कप्तानी की बात आती है। आपने सही कहा, अजहर अली को अभी प्रूव करना है कि वो एक टॉप क्वालिटी के टेस्ट मैच कैप्टन है। इसके साथ साथ रमीज भाई उनकी जो नंबर है, जैसे कि नंबर 3 पे बहुत अच्छा खेलते रहे, फिर हमने देखा कि मेक शिफ्ट ओपनर बने, ओपनिंग भी की, अब शान और इसके साथ साथ आबिद मौजूद हैं, असद शफीक भी नीचे हैं, रिजवान अभी फिट तो नहीं है ऑब्वियसली, इस वक्त उनको COVID-19 है, लेकिन आप टेस्ट लाइनअप को जब देखते हैं तो आपको लगता है कि इंग्लैंड कंडीशंस के लिहाज से ये ठीक कर सकेंगे? ये अच्छी बात है कि बैक ऑफ द माइंड आखिरी दोनों हमारे टूर बेहतर रहे, जहां हमने अगर हारे तो जीते भी और ड्रॉ की, लेकिन वो लॉर्ड्स या ओवल के मैदान थे, इस बार हमें वो नहीं मिल रहे, ये कितना सिग्निफिकेंट होगा? देखिए टॉप ऑर्डर जो है वो रॉ है और मसले मसाइल हो सकते हैं जैसे मैंने पहले कहा, सो उनको जो है वो टाइम गुजारना है पिच के ऊपर और नया बॉल गुजारना है, एक दफा नया बॉल गुजर जाएगा तो फिर कुछ काबू में चीजें आ सकती हैं। बाबर की फॉर्म जो है वो इसी तरह से लगी रही जैसे वो ऑस्ट्रेलिया में खेले थे, और बाबर के लिए एक बहुत बड़ी सीरीज है अपना नाम बनाने के लिए, और वो अगर सेंचुरीज करते हैं तो फिर आसान काम हो जाएगा, क्योंकि प्रेशर क्रिएट हो सकता है इंग्लैंड के ऊपर भी, क्योंकि इंग्लैंड को होम क्राउड की एडवांटेज नहीं है, खाली स्टेडियम होंगे, सो क्रिटिकल पॉइंट्स पे पाकिस्तान पिघलने वाला शायद ना हो, क्राउड्स के प्रेशर जो आ जाते हैं कई दफा नए प्लेयर्स वो बच जाए उस सिंड्रोम और सिनेरियो से, और इसका पाकिस्तान को एडवांटेज लेना चाहिए, क्योंकि एक तरह से न्यूट्रल टेरिटरी पे ये टेस्ट मैचेस खेलेंगे, आवाज नहीं होगी, प्रेशर में नहीं आएंगे, तो ये है कि अब जो भी एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं उनको खड़े होना है और उनको अपनी जैसे ही वो 30-35 कर ले फिर विकेट थ्रो नहीं करनी, आई थिंक जो खड़ा हो जाए फिर वो 100 रन करें, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट सेंचुरी से जीती जाती है, पहली इनिंग्स के लंबे स्कोर से जीती जाती है, पार्टनरशिप से जीती जाती है, और ये चीजें अगर पाकिस्तान कर लेता है तो फिर प्रेशर कम हो जाएगा बैटिंग की। बॉलिंग भी रॉ है हल्की फुल्की, मगर बॉलिंग में जो है पोटेंशियल दिख रहा है, एक रॉ पोटेंशियल, और ऑन द डे ये किसी भी आउटफिट को हिला सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। सो अगर साइडवेज मूवमेंट पाकिस्तानी बॉलर्स को नहीं मिली तो इनको ये नहीं भूलना चाहिए कि इंग्लैंड बॉलर्स को भी एक लिमिटेड सा रिस्पांस मिलेगा सलाइवा के बगैर, सो ये मुकाबला 50-50 हो जाएगा और फिर बैटिंग पे कहानी चली जाएगी, और बैटिंग में पहली इनिंग्स में स्कोर अगर कर दिया तो फिर ये मुकाबला जीत सकेंगे। रमेश भाई अगर टेस्ट मैच जीतना है या इवन वनडे या T20 भी, तो चले अच्छी परफॉर्मेंस बड़ा मैटर करती है कि आप तो या तो आउट क्लास कर दे टीम को, एक सिचुएशन वहाँ वो ये बनती है कि जहाँ मैच बराबर का है या मैच हाथ से निकल रहा है तो आपको कुछ हीरोइक परफॉर्मेंस चाहिए होती है। हमने देखा इंग्लैंड के पास बेन स्टोक्स हैं, उनके पास बटलर कह लें या जॉनी बेस्टो, उनके वनडे में ये इस तरह के उनके पास एलिमेंट्स हैं, वो टेस्ट टीम में भी इसी कल्चर को लेके आ रहे हैं, हमारे पास थोड़ी कमी दिखाई नहीं देती आपको रमीज भाई के वो जो मुश्किल सूरत हाल में, जैसे आप 92 के वर्ल्ड कप की बात करें या आपने पूरा कैरियर वसीम वकार के साथ खेला, हारे हुए मैचेस जितवा देते थे, सिचुएशन जहां फंसती थी वहां टीम को निकाल देते थे, इंग्लैंड के पास ऐसे अब प्लेयर्स आना शुरू हो गए जो उनके पास नहीं थे, हमारे पास कमी किस चीज़ की है? माइंडसेट नहीं है, क्वालिटी का थोड़ा फुकदान है, क्या समझते हैं कि हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए, क्योंकि अप्रोच भी तो बड़ी इंपॉर्टेंट है सर। ये तीनों चीजों पे हम मार खा रहे हैं, आपने सही कहा, माइंडसेट, अप्रोच, क्वालिटी, इसी वजह से जो है वो 40-40 साल के प्लेयर्स जो हैं वो T20 खेल रहे हैं,
उसकी बड़ी वजह यही है कि पीछे से खेप जो है, बैटिंग की क्वालिटी जो है वो शायद उस एतबार से नहीं आ रही कि ये रिप्लेस हो जाए। शायद ये माइंडसेट की भी बात है कि हारने से घबरा रहे हैं और नए प्लेयर्स के साथ चांस भी लेना चाहते हैं। तो ये दो तीन चीजें हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर आप में कॉन्फिडेंस है, आपके सिस्टम में कॉन्फिडेंस है और आपकी कप्तानी में कॉन्फिडेंस है तो फिर आप चांसेस ले सकते हैं। और मैं समझता हूं कि T20 में आप चांस ले सकते हैं क्योंकि इतने ज्यादा T20 क्रिकेट होती है कि किसी को याद भी नहीं रहेगा कि आप दो मैच इंग्लैंड में हार गए या सीरीज T20 की हार गए। अगर टेस्ट सीरीज आप जीतते हैं वो मुद्दे तो याद रहती है। तो ये याद रखिए कि T20 जो है वो एक्सपेरिमेंट बेस्ड एक फॉर्मेट है और टेस्ट मैच में शायद आप एक्सपीरियंस को ला सकते हैं, मगर दोनों फॉर्मेट्स में, किसी भी फॉर्मेट में जो है वो आपको फेयरलेस होने की जरूरत है। आपको ये कहने की जरूरत है, अपने आप से बात करने की कि हम ये चीज करने वाले हैं, ये हमारी स्ट्रेटजी और प्लान है और अगर हमने प्रोसेस को फॉलो किया हम जीतेंगे, नहीं किया तो चले हमने ट्राई तो की नए लड़कों के साथ। सो ये एक ओपन पॉलिसी की अनाउंसमेंट होनी चाहिए जहां पे ये सारे स्टेक होल्डर्स को साथ लेके चले, मीडिया को, लिखने वालों को, कमेंटेटर्स जो हैं दुनिया में जो क्रिकेट देखते हैं, फैंस हैं, उन सबको पता हो कि पाकिस्तान क्रिकेट को आगे ले जाने के लिए ये 4-5 जो है स्टेप्स लिए जा रहे हैं और थोड़ी सी पेशेंस सबको, सब स्टेक होल्डर्स को दिखानी पड़ेगी तो बात बनेगी। अगर आप छुप छुप के अगर आप और आपकी स्ट्रैटेजी क्लियर नहीं है तो फिर आपको मार भी पड़ती रहेगी और आप गुडविल भी जाया करते रहेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट के स्टेप्स की आपने बात की, कल गवर्निंग बोर्ड के बाद एक काफी बड़ा प्रेस रिलीज आया जिसमें काफी स्टेप्स का जिक्र था। वुमेन क्रिकेट की बात भी करेंगे क्योंकि ये भी एक पाकिस्तान का एक अब डायमेंशन बनता जा रहा है कि हम यहाँ कितनी मेहनत कर सकते हैं, पोटेंशियल कितना। रमी साहब के साथ हम प्रोग्राम में शामिल रहेंगे, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। अमित भाई, आखिरी 4-5 मिनट बाकी हैं पुराने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डिसीजन मेकिंग पे क्विकली बात कर लेते हैं। जो पहले तो तब्दीलियां की हैं, वसीम खान साहब ने आपको भी इंटरव्यू में बताया कि वो चाहते हैं कि अकाउंटेबिलिटी हो, परफॉर्मेंस बेस्ड ऑफ ने हवाले से भी यही कह रहे थे। डायरेक्शन आपको ठीक नजर आती है PCB की जिस अंदाज से अभी तक स्टेप लिए हैं और क्या बेहतर हो सकता है? नहीं, मुझे तो अच्छे वो सुनने में तो बहुत अच्छे लगे, इसलिए कि उनके पास प्लान है, पढ़े लिखे हैं और कोशिश भी कर रहे हैं। देखिए, ये वो मैजिक वॉन्ड है नहीं कि एक दफा छड़ी मारेंगे और सब चीजें ठीक हो जाएंगी। थोड़ी सी पेशेंस चाहिए है सारे स्टेक होल्डर्स को, एज लॉन्ग एज के वो जो करना चाह रहे हैं क्रिकेट बोर्ड, वो सबको पता चले कि क्या करना चाह रहे हैं। आई थिंक ये जो आज अनाउंसमेंट हुई है, डबल कर दिया फी फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स की, बहुत अच्छी बात है। बहुत चीजें होने वाली हैं। मैं ये चाहूंगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन बड़ी जरूरी है, लाइट्स बहुत बेहतर होने की बात है। फिर आपका जो डायरेक्शन है पाकिस्तान क्रिकेट की सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, वहाँ बहुत बेहतरी की जरूरत है। और वैसे जो आपकी PSL है वो बहुत अच्छा, एक और टीम ऐड होगी, वो एक बहुत पॉजिटिव स्टेप है। सो अगर आपकी नई क्रिकेट की एक पॉलिसी आ जाती है जहाँ पे प्लेयर्स को पैसे मिलते हैं और मैचेस टेलीविजन पे दिखाए जाएं और PSL जैसा मॉडल एक हम क्रिएट कर सकें फर्स्ट क्लास की विंडो 2-2.5 महीने में, तो नथिंग लाइक इट। मगर क्लब क्रिकेट में बहुत काम होने वाला है, स्कूल क्रिकेट में बहुत ज्यादा काम होने की जरूरत है। असल में कोचिंग तो वहीं लड़ती है। फिर अनऑर्थोडॉक्सी को बैक करना है हमें। अनऑर्थोडॉक्सी की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो सबको बीट करती है। एक्शन अगर आप ले लें बॉलर्स की या वैरायटी ले लें, कुछ भी ले लें। सो ये चीजें हैं जिन पे मैं चाहूंगा कि और ज्यादा काम हो, मगर दो एक चीजों पे अच्छा काम हुआ। ठीक है रमीश भाई, वुमेन क्रिकेट के आखिर में अगर हम बात कर लें, चूंकि हमें हमारी ख्वाहिश होनी चाहिए और है भी कि हमारी टीम बेहतर हो, और अभी हम B या C या B टीयर पे तो फाइट कर लेते हैं, नंबर वन पे नहीं, लेकिन डोमेस्टिक मामलात की अगर बात करें तो वहाँ भी अराउंड 45 या जो 50 का पूल है, 9 को हमने सेंटर कॉन्ट्रैक्ट दिए हैं, 10 के पास जो है वो बाकी इंसेंटिव हैं, फिर इनकी मैच फीस बढ़ाई है, इनको फर्स्ट क्लास में सफ़र कराया है, इनको वो एहसास दिलाया है कि आप भी हमारे क्रिकेट सिस्टम का हिस्सा हैं। मेंस के साथ साथ वुमेन क्रिकेट को रिस्पेक्ट मिलना शुरू हुई है। ऑब्वियसली परफॉर्मेंस अभी वैसी नहीं है जैसा कि एक वर्ल्ड क्लास टीम की हो, लेकिन PCB के जो स्टेप्स हैं कि यहाँ थोड़ा पैसा अब लगाया जा रहा है और ऑब्वियसली हमारे यहाँ कल्चर का भी मामला है, लड़कियों को आगे बढ़ने में मुश्किलात हैं, ये स्टेप कैसा रहेगा जो वुमेन क्रिकेट के अंदर पैसा और थोड़ी इंकरेजमेंट आ रही है? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, टैलेंट है, थोड़ी सी इनको पावर हिटिंग इंप्रूव करनी है। मैं अभी समझता हूँ कि बाकी दो एक कंट्रीज में जो है वो पहले से शुरू हुआ हुआ ये काम, हमने थोड़ा लेट किया है, बट सही डगर पे लग गए हैं और
जैसे जैसे नई प्रोविंशियल आपकी क्रिकेट शुरू होगी और उसकी बॉडीज बनेंगी, आई एम श्योर कि विमेन्स विंग भी साथ साथ बनते जाएंगे. सो विमेन्स क्रिकेट का फैलाव जो है वो, उसका कैनवस जो है वो बढ़ जाएगा. और फिर उसी तरह से आपकी स्कूल क्रिकेट में जो है वो एक तरह से उसको एक राह मिल जाएगी. इसी तरह से आपकी क्लब क्रिकेट स्ट्रांग होगी विमेन्स की एक दफ़ा जब उस छतरी के नीचे आ जाएंगे. सो स्काई इज द लिमिट. मैं समझता हूँ कि एक दफ़ा ये मैसेज चला गया है कि अब विमेन्स क्रिकेट की एक एंटिटी है और उनकी बुनियाद रख दी गई है और अब उनको आगे जाना है और इस पे मेहनत करनी है. लेकिन मेहनत ही से आपको फल फूल मिलेगा, शॉर्टकट से कुछ नहीं होने वाला. सर आखिर में बिल्कुल शॉर्ट जवाब चाहिए क्योंकि पीएसएल पेशावर में अब हो रहा है, तो आप वहाँ के अच्छे कबाब और नमक मंडी के तिक्के विक्के खाने के लिए आप बेचैन हो रहे हैं और मुझे लगता है हमारे फॉरेन क्रिकेटर्स को भी बहुत पसंद आएंगे इस बार पीएसएल पेशावर आ रहा है. बहुत अच्छी बात है. पेशावर का अलग मजा है खैबर पख्तूनख्वा का. वहाँ का कल्चर मुख्तलिफ है, मेहमान नवाज लोग हैं और एक फील गुड फैक्टर उस तरफ क्रिएट होगा और सारा टैलेंट जलमी के फैंस के लिए बहुत अच्छा है. बड़े बड़े पैशनेट फैंस हैं जलमी के, फैंस बहुत ज्यादा पैशनेट है और फिर टैलेंट वहां से उभर रहा है. खैबर पख्तूनख्वा से ना सिर्फ लोकल टैलेंट है बल्कि पाकिस्तान को सर्व कर रहा है वो टैलेंट. सो इसलिए भी बहुत अच्छी बात है कि उस इलाके में जाके क्रिकेट होगी और उससे और ज्यादा सुपरस्टार्स जो है वो हमें मिलने का मौका मिलेगा. समीर भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया और अच्छी बात है कि पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो बैरूनी मुल्क हम दौरे पर जा रहे हैं, क्रिकेट की वापसी हो रही है. आपसे बहुत अच्छी गुफ्तगू रही. उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए दौरा बहुत अच्छा साबित हो, परफॉर्मेंस अच्छी हो ताकि हमारे क्रिकेट बोर्ड को जो आगे की प्लानिंग्स करनी है उनके लिए आसानी हो. पुराम रिप्ले देखने का शुक्रिया. फिर से दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.